A very warm good morning to all of you. This is Deepak Kumar Tiwari. Welcome to MS Campus. दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 15 जनवरी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और ये लगभग सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे वो RRB NTPC हो, IBAC IO हो, SSC CGL हो, CHSL हो या इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। जिस भी एग्ज़ाम में आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक GK पूछा जाएगा। सेशन को एंजॉय करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द जल्द पहुंच जाए और आप इसका भरपूर मज़ा ले पाएँ। और अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर कोई आपको पर्सनल क्वेरी मेरे से करना है तो आप वहाँ से मेरे को फॉलो करके आप मेरे से कोई भी पर्सनल क्वेरी कर सकते हैं। और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं आपको उसको कमेंट में आंसर देना है। इससे आप अपना अवलोकन कर सकते हैं कि आप कितनी शिद्दत से मेरी वीडियो को देखते हैं और कितनी जानने का चाह है। तो चलिए आइए सेशन को एंजॉय करते हैं, लास्ट तक बने रहें। विथ पिक्चर्स हम लोग बहुत सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि अभी अभी एम अटल इनोवेशन मिशन NIC दैट इज़ नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर एंड CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन ने तीनों मिलके अभी कोलैब सी ए डी ये डिजिटल डिज़ाइन 3D मॉडल लॉन्च किया है। तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा देखते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोलैब CAD अभी अभी एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। कौन? NIC, CBSE और एम्स, एम ने मिलकर, दैट इज़ अटल इनोवेशन मिशन, तो ये तीनों ने मिलकर किया है। स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा? तो इससे फ़ायदा होगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें मॉडिफाई किया जाएगा 3D डिजिटल डिज़ाइन विथ फ्री फ्लो ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। जो क्रिएटिविटी रहेगा, जो इमेजिनेशन रहेगा वो बहुत बेहतर रहेगा, जिससे बच्चों को समझने में आसानी होगी। और ये क्या करेगा, इट विल ऑल्सो इनेबल स्टूडेंट टू कोलाबोरेट ओवर डिज़ाइंस अक्रॉस द नेटवर्क। और नेटवर्क में डिजाइनिंग जो वर्क होता है उसमें ये हेल्प करेगा। और ये कोलैब CAD 3D ये एक ईबुक भी लॉन्च करेगा। कौन कौन? NIC दैट इज़ नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि CBSE के चेयरमैन कौन है, CBSE के चेयरमैन कौन है। और एम, दैट इज़ अटल इनोवेशन मिशन। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास और इसका स्थापना हुआ था अप्रैल 1935 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी RBI ने सिक्स मेंबर का एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जो रेगुलेट करेगा डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड्स को। जो भी डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड्स होता है उनको ये लीड करेगा, उनको ये चेक करेगा। तो ये सिक्स मेंबर कौन कौन से हैं, ये स्टडी आप देख पा रहे हैं कि टू स्टडी डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज़ टू रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड प्लेयर्स। जो भी रेगुलेट किया जाता है और अनरेगुलेट किया जाता है प्लेयर, उनको ये चेक करेगा और उनको ये हटाएगा। ड्यू टू द ग्रोइंग इंस्टेंस ऑफ फ्रॉड्स इन डिजिटल लैंडिंग स्पेस, तो जो भी फ्रॉड्स होता है उनको ये चेक करेगा। और ये पैनल है, ये पैनल जो बना है उसमें 4 RBI के इंटरनल हैं और 2 एक्सटर्नल मेंबर्स हैं। तो ये कौन कौन है तो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले चेयरमैन, यहाँ के RBI के चेयरमैन हैं जयंत कुमार दास और अजय कुमार चौधरी। और आपके ये अजय कुमार चौधरी हो गए, पी वासुदेवन और मनोरंजन मिश्रा जी हैं। तो ये लोग हैं, क्लियर है। ये लोग 4 पीपल चेयरमैन बनाए हैं जिसको फ्रॉड को चेक करना है इन लोगों को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आई आर डी आई ने अभी कंस्टिट्यूट्स किया है पैनल को, एक पैनल को। वो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा हेल्थ को, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। जो भी हेल्थ का प्रोडक्ट रहता है जैसे इंश्योरेंस वगैरह रहता है, तो आपको वो बताएगा कि आपका हेल्थ कैसा है कैसा नहीं है। तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। इट हैज़ बीन फॉर्म कंसिडरिंग द नीड ऑफ द इंडियन सोसाइटी
इंडियन सोसाइटी एंड रिकमेंड सूटेबल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। आपको कैसे कैसे प्रोडक्ट लेना है और किस प्रोसेस से लेना है ये आपको बताया जाएगा। क्लियर है। तो आई आर डी आई के जो चेयरपर्सन है, आई आर डी ए आई के जो चेयरपर्सन है वो है सुभाष चंद्र खुंतिया जी, यहाँ के चेयरमैन हैं। क्लियर है, तो ये आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट, इनका टेनर है एक साल का। अदर मेंबर्स को नीड नहीं है याद करने का, आप लोग इसको नहीं याद कीजिए। क्लियर है, टेनर है इनका, जो ईयर काम करने का इनका ईयर है 1 ईयर का है। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन पटनायक जी कौन है, ये उड़ीसा के ये सीएम है। क्लियर है, उड़ीसा के सीएम है। तो नवीन पटनायक जी अभी ने उद्घाटन किया है किसका, भारत का पहला फायर पार्क को भुवनेश्वर में स्थापित किया है, मीन्स आयोजित किया है। क्लियर है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि उड़ीसा के जो सीएम है, मैंने अभी बताया उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी हैं। नवीन पटनायक हैज़ वर्चुअली किए हैं ऑनलाइन, इसमें फिजिकली एक्टिविटी इसमें नहीं हुआ है, ऑनलाइन किए हैं वर्चुअली इनोग्रेटेड फायर पार्क टू एडुकेट एंड किसके लिए किए हैं, ये जो फायर पार्क है ये किसके लिए हुआ है, तो एडुकेट करेगा, टू एडुकेट एंड ब्रिंग अवेयरनेस लाएगा ऑन बेसिक फायर सेफ्टी मेजर्स अमोंग द पीपल, पार्टिकुलर द स्टूडेंट्स और लोगों में ये अवेयरनेस लाएगा कि फायर से जो सेफ्टी के लिए बेसिक थिंग्स रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं। तो ये कहाँ पर लोकेट है, तो फायर पार्क इज़ लोकेटेड इनसाइड उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर एकेडमी जो कि भुवनेश्वर में, तो वहाँ पर ये फायर पार्क बना है। और इसके अलावा हम लोग एक ऑनलाइन पोर्टल, उड़ीसा में ऑनलाइन पोर्टल एक है, अग्नि समा सेवा ये भी लॉन्च किया गया है उड़ीसा फायर सर्विस के लिए। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलना है। और ये आपको क्या देगा, ये आपको फैसिलिटेट डेमोन्स्ट्रेशन ऑन यूज़ ऑफ फर्स्ट एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, रेस्क्यू कैसे करना है वो बताएगा, फिर से डिजास्टर ऑपरेशन है वो आपको करने बताएगा, एंड विजिट टू एग्जीबिशन हॉल एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मणिपुर गवर्नर ने अभी एक बुक रिलीज किया है, इसका टाइटल है क्या, मेकिंग ऑफ अ जर्नल अ हिमालयन इको। तो ये मणिपुर के गवर्नर ने अभी बताया है। तो मणिपुर के गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला जी अभी वर्चुअली ऑनलाइन एक बुक लॉन्च किए हैं जिसका टाइटल है मेकिंग ऑफ अ जर्नल अ हिमालयन इको। तो इसमें क्या है, तो इसको लिखे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कौनसाम हिमालय सिंह ने अभी इसको लिखा है, ऑथर्ड किया है, कन्वेनिंग हिज ड्रीम, वो अपने ड्रीम के बारे में डिपेक्शन के बारे में और मणिपुर का जो डिपेक्शन है उसके बारे में इसमें लिखा गया है, एज द लैंड ऑफ इमेरल्स। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और ये पब्लिश किसके द्वारा किया गया है, तो ये पब्लिश किया गया है कोणार्क पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये पब्लिश किया गया है। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। क्लियर है, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे देखते हैं इसके बारे में क्या न्यूज़ है। तो आर्म फोर्सेस नेशनल डे आपका ये 14 जनवरी को मनाया गया था, तो इसका जो थीम हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो पहले 14 जनवरी को मनाया गया था, तो ये किसके लिए मनाया जाता है, तो जो भी मतलब बिना स्वार्थ के सेल्फलेस डिवोशन एंड सेक्रीफाइस ऑफ आवर वेटरन्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन, हमारे देश के सेवा के लिए बिना स्वार्थ के जो बलिदान देते हैं उनके उपलक्ष्य में हम लोग 14 जनवरी को हम लोग आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाते हैं। और ये पहला बार मनाया गया था आपका 2017 में ये पहला बार मनाया गया था, और ये
द डे इज ऑब्जर्व एज द मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है खासकर। और वो रिटायर कब हुए थे? वो रिटायर हुए थे 14 जनवरी 1953 को वो रिटायर हुए थे। कौन? फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जी। ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे देगा आपको, जस्ट खाली पॉइंट याद रखना है। और ये कौन थे? फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्म फोर्सेज के। और इसका थीम आपका था व्रेथ लेइंग सेरेमोनीज एंड वेटरन्स मीट्स। क्लियर है? तो ये आपको नहीं भूलना है, व्रेथ लेइंग सेरेमोनीज एंड वेटरन्स मीट। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, क्या आप इनको जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे, ये रामनाथ कोविंद जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। और ये कौन है आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, वैसे तो इसके डिस्कशन में मैं बता ही दूंगा। तो वेटरन सोशल एक्टिविटीज़ डी प्रकाश राव अभी इनका देहांत हो गया है ये कटक के थे। तो ये कौन थे? तो जिनका मैंने भी पिक्चर दिखाया वो डी प्रकाश राव ही हैं जो पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। और ये एक सोशल समाज सेवक हैं। और ये 63 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया है, किसके कारण? ब्रेन स्ट्रोक एट SCB हॉस्पिटल इन कटक। कटक का जो SCB हॉस्पिटल है वहाँ पर इनका ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जिसके कारण इनका देहांत हो गया। इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। ये जो डी प्रकाश राव थे तो इन्होंने एक अपना कटक में ऑर्फन जो स्टूडेंट रहते हैं स्लम एरिया के स्टूडेंट रहते हैं तो उनको एडुकेशन प्रोवाइड करना, इम्पार्टिंग जो पार्ट पार्ट में जाकर उनको एडुकेशन प्रोवाइड किए थे। और ऑर्फन चिल्ड्रन को भी जो क्या बोलते हैं कि जो दिव्यांग बच्चे रहते हैं उनको भी एडुकेशन प्रोवाइड करते थे कटक में, एंड थ्रू आशा वासना। ओके, तो ये उनका एक स्कूल था, छोटा सा स्कूल था, आशा वासना। तो ये स्कूल का नाम था, इसको आपको नहीं भूलना है। और ये 2000 ईस्वी में, मतलब आज से लगभग 20 साल पहले से ये काम कर रहे हैं समाज के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को सत नमन है, ऐसे महान व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ करें उनको बहुत खुशी भी मिलता है। अब समाज सेवा करोगे तो आपको अंदर से खुशी भी मिलेगा। तो ही वॉज़ कन्फर्ड विथ पद्मश्री अवार्ड। इनको मिला था पद्मश्री अवार्ड 2019 में, फॉर बूस्टिंग द वैल्यू ऑफ एडुकेशन अमॉन्ग द स्लम एरिया के जो गरीब बच्चे रहते हैं उनको एडुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनको एडुकेशन का वैल्यू समझाने के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। क्लियर है चीज़ें? ओके, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आईसीटी ग्रांड चैलेंज ये क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, अभी चैलेंज ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल जल जीवन मिशन के द्वारा। तो नाम आपको याद रखना है, स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम चैलेंज ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नेशनल जल जीवन मिशन के द्वारा, दैट इज़ NJJM। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये आता है। और ये पार्टनरशिप किया था किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये लॉन्च किया है क्या? आईसीटी ग्रांड चैलेंज को लॉन्च किया है, जिसका नाम है स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। क्लियर है? और ये लॉन्च किया गया है सितंबर 2020 में ये लॉन्च किया गया। और यूजर एजेंसी ऑफ द ग्रांड चैलेंज दैट इज NJJM। ओके,
और ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो इम्प्लीमेंट किया है, जो एजेंसी लागू किया है, उसका नाम है CDAC बेंगलोर। ये बेंगलोर में है ये कंपनी, ये एजेंसी CDAC। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, इनको जानते हैं ना, ये हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। डोनाल्ड ट्रंप जी हैं जो अभी अभी अमेरिका के इलेक्शन में हार चुके हैं, और इनका ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो इनके बारे में, डोनाल्ड ट्रंप बिकम फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस। ये दो बार इनका इम्पीचमेंट हो गया है। अभी अभी ये भारत सॉरी ये अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट हैं जिनका दो बार इम्पीचमेंट हो गया है। इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग। इसके बारे में होता है अपने स्थान से हटा देना। तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बिकम द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीचमेंट ट्वाइस। ओके, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, देखो यूएसए का जो अपर हाउस रहता है उसको बोलते हैं सीनेट, एंड जो लोअर हाउस रहता है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जो जो बाइडेन जी जो जीते हैं, तो 290 सीट से जीते हैं। और जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, वो हैं कमला हैरिस। और यहाँ का सबसे जो बड़ा सिटी है वो है आपका न्यूयॉर्क। क्लियर है। और यहाँ पर गूगल का हेड क्वार्टर है कैलिफोर्निया में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर है। तो द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोटेड लास्ट नाइट टू चार्ज हिम विथ इंसाइटिंग लास्ट वीक मॉब अटैक ऑन यूएसए कांग्रेस एंड ही वाज इम्पीच्ड। उनका जो महाभियोग हुआ था वो 232 और 197 वोट के द्वारा हुआ था। वोटिंग होता है जैसे इंडिया में कुछ कंडीशन है कि 2/3 वोटिंग में आपका होना चाहिए, 2/3 जितना प्रेजेंट रहेगा उसका 1/3 होना चाहिए। तो ये सब जो कंडीशन है लोकसभा राज्यसभा का, तो उसी तरह यूएस का भी जो हाउस है उसमें भी कुछ कंडीशन रहते हैं, तो उसके द्वारा इनको इम्पीच किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द इम्पीचमेंट वाज सपोर्टेड बाय सपोर्ट। जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, ये सपोर्ट किसके द्वारा किया गया था, तो ऑल डेमोक्रेट्स, जितने भी वहाँ के डेमोक्रेट्स हैं उनके द्वारा, एंड 10 रिपब्लिकन्स के द्वारा, और इंक्लूडिंग इसमें लीज चेनी बहुत बड़ी भूमिका ये निभाई थी। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ये त्यौहार के बारे में। कल डे था आपका मकर संक्रांति डे था। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, तो नेशनल सेलिब्रेट्स फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट का ये त्यौहार था। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं, तो इट इज़ रेफर्ड टू बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। जैसे बंगाल में इसका नाम था पोस पोरबन था, और तमिलनाडु में पोंगल इसको बोलते हैं, मकर संक्रांति को ही दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं। तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं, गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं, एंड असम में भोगाली बिहू बोलते हैं। आप यूपी में या बिहार में आ जाओ तो मकर संक्रांति बोलते हैं। क्लियर है। ये चीज़ें आपको जान के रखनी है, और इसमें से क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं, तो कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है कि हम लोग को 83 तेजस फाइटर जेट खरीदना है। ये खरीदेंगे, जो एयरफोर्स इंडिया का एयरफोर्स है। आप कमेंट में मेरे को बताओ कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। तो अभी अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि 83 तेजस फाइटर जेट्स हम लोग को खरीदना है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड प्रोक्यूमेंट ऑफ 73 LCA तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट एंड 10 ये 73 खरीदेगा क्या LCA तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट एंड 10 LCA तेजस MK-1 ट्रेनर
एयरक्राफ्ट, ये दोनों मिलके खरीदेंगे। और इसका बजट कितना रहेगा, 45,696 करोड़ इसका बजट रहेगा। और ये डिज़ाइन किया जाएगा किसके साथ, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेंक्शन ऑफ इसके लिए है 1,202 करोड़ रुपया अलॉट किया गया, किसके लिए डिज़ाइन करेगा और इसको डेवलपमेंट करेगा इंडिया में ला के। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA मीन्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A, ये क्या है, ये एक है आपका इंडिजेनसियली डिजाइंड है, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इसका फोर्थ जनरेशन है, ये क्लियर है। और इसके बारे में थोड़ा और हम लोग कुछ जान लेते हैं, तो इट इज़ इक्विप्ड, ये इक्विप्ड रहेगा, ये मशीनों से और हथियारों से भरा रहेगा, विथ क्रिटिकल ऑपरेशनल, जो भी क्रिटिकल ऑपरेशन होता है उसके कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, कैपेबिलिटीज ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट, मणिपुर ने अभी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया है। तो मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन सिंह, उन्होंने अभी फेस्टिवल मनाया है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। तो वो कहाँ पर मनाया गया है, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल एट माओ, मणिपुर में एक माओ सिटी है वहाँ पर ये मनाया गया है, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको जाननी है। और ये क्या करेगा, एक्चुअली द फेस्टिवल फीचर्ड विथ पिक्चरस्क्यू लैंडस्केप ऑफ माओ एडोनर्ड विथ ब्यूटीफुल चेरीज ट्रीज, इसमें जो ब्यूटीफुल चेरी ट्री है उसको सजाया गया है, विच आर लैडन विथ पिंक फ्लावर, जो भी चेरी के ट्री हैं वो गुलाबी फूलों से लदे पड़े हैं, इतनी खूबसूरत, मैंने तो पिक्चर देखा, बहुत बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। तो आप लोग गूगल पर विज़िट करके इसका पिक्चर देख सकते हो और अपने वॉलपेपर में सेट कर सकते हो, बहुत ही प्यारा सा पिक्चर है वो। इसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं, इट वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, तो इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शिलोंग में, किसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन इसका हेडक्वार्टर है आपका शिलोंग में, इन एसोसिएशन विथ, और किसके साथ एसोसिएट करके बनाया गया था तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फ्लावर फेस्टिवल, जो कि माओ में है, माओ, और माओ ये मणिपुर में है। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि मणिपुर में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं और मणिपुर के गवर्नर का क्या नाम है। तो ये चीज़ें आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले सेशन में। और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए, इससे मेरे को कुछ बूस्ट मिलेगा। और मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।